और इसके बाद फिर जेपी एसोसिएट्स, इसके बारे में जानना है सीपी सोनी जी को। इनके पास हैं 17 की बंद है, आगे क्या करें? शेयर है 17 की मन, पता नहीं आपने क्या लिखा है, मैं सबको बता देता हूँ मुझे क्या समझ में आता है। देखिए 17 का कहाँ बंद है, 14 रुपये 70 पैसे का क्लोज दिख रहा है मुझे जेपी एसोसिएट्स। नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद इन्होंने 17 पे खरीद रखा है। ठीक है जी, तो अब हो तो गया है वीक, लेकिन ऐसे जगह पे है जहां से इसके शॉर्ट कवरिंग वाले सिचुएशन बनते भी हैं। 17.75, इसके पहले में अब इसमें पॉजिटिविटी तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे हम, बिकॉज ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर फिलहाल दिख रहा है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी इन सब चीज़ों में रहती है कि 200 DMA के नीचे डिप होके रिवर्सल देके संभलने की कोशिश करें। बाकी मुझे कंपनी के बारे में, बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उस पर मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ये यह है कि आप 17.75 को जरूर वॉच कीजिएगा, उसके पहले इसमें कोई रिवर्सल नहीं हो पाएगा। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सिचुएशन है, 17.75 के ऊपर एक दो दिन सस्टेन होता है तो शायद एक फॉर्मिडेबल बेस बनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जी,